थैंक यू भाई। यार अभी पुलिस वाले आ गए थे चालान वालान काटने के लिए, तो इसीलिए हमसे बोला जाता है ना, देखो यहाँ खिड़की है ना, आपको बहुत सारी दिख रही होगी, इसलिए सारी खिड़की से ना। यार राइडर जो है ना यार, क्या स्पीड पकड़ती है भाई, बहुत तगड़ी पिकअप है भाई इसकी तो। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, और हम यहाँ खाटू श्याम जी से हम निकल चुके हैं, कल ही निकल गए थे, अभी हम रिंगस रोड पे हैं येरा, और हम इस वाले होटल में रुके थे राघु पैलेस में, और हम यहाँ सब सीधे निकल रहे हैं हम जयपुर के लिए। वहाँ पे हम फेमस कचौड़ी खाने वाले हैं और हवा महल देखने वाले हैं। अमित भाई, आप भाई कौन सी जगह बता रहे हो जो कचौड़ी खाने के लिए जो भाई फेमस है? जयपुर, जयपुर में हवा महल मार्केट, हवा महल मार्केट में भाई, पिंक सिटी में हम वहाँ जाने वाले हैं यहाँ से डायरेक्ट। भाई सब ने तैयारी कर ली है यहाँ से, हाँ हवा महल की भाई हवा खाने वाले हैं, तो ये रही भाई सबकी भाई भाई बाइक तैयार है, तो यहाँ से हम निकलने वाले हैं ना, तो चलो यार जल्दी से अब चलते हैं यहाँ से ना। बाकी आप सभी को भी दिखाते हैं वहाँ पे पिंक सिटी, हम भाई घूमेंगे अभी थोड़ी देर, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, शाम तक हम अपने घर पे रहेंगे। चलो चलते हैं। तो गाइज हम निकल चुके हैं यहाँ से, फिर भाई अपनी बाइक सारी यहाँ से हम रॉन्ग साइड लेंगे, क्योंकि अपना पास में ही है यू टर्न, वरना हमें 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, इसीलिए मैं सोचा फिर रॉन्ग साइड ही लिया जाए। और यार वॉइस में ना थोड़ी प्रॉब्लम आएगी यार, देख लेना, क्योंकि गोप्रो अभी परचेस किया नहीं है, तो बहुत जल्द हम गोप्रो भी लेने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए यार थोड़ा इसी से काम चला लो, ठीक है। और यार जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार फॉलो कर लो, ठीक है। बाकी एक्टिव रहेंगे वहाँ पे भी, कुछ दिनों से हम एक्टिव नहीं थे इंस्टाग्राम पे, तो अब से रहेंगे हम। और नाइट में यार क्या हुआ पता है, हम यहाँ से सीधे जयपुर भी जा रहे थे, हम यहाँ पे नहीं रुकते क्योंकि यार रात का टाइम भी था, ट्रक इतने सारे चलते हैं, कुछ नए राइडर्स भी हैं, तो इसीलिए हमने सोचा यार नहीं यहीं स्टे कर लेना चाहिए, क्या फ़ायदा कुछ बात हो जाए, इसीलिए हमने यार यहीं पर स्टे कर लिया, और हम फिर जयपुर नहीं गए रात में। तो अभी हम निकले हैं और ऑलरेडी यार हम यार बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 1 घंटे नहीं यार, कम से कम भी हम 2-3 घंटे लेट। सबसे अच्छी बाइक जो भाई चलाते हैं ना अपने, वो भाई जय के भाई हैं, जो भाई भाई का नाम जय जय किशन, और फिर उसके बाद भाई है अमित भाई, ये भाई लीन करके बड़ी अच्छी चलाते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब भाई लीन करेंगे ना, थोड़ा जाम भी लगा पड़ा है हाईवे पे, जैसे पूरा अभी निकल जाएंगे तब आप सभी को दिखाऊंगा मैं, जो भाई चलाते हैं ना यार, भाई का फैन हो चुका हूँ भाई मैं तो, इतनी तगड़ी बाइक चलाते हैं, और भाई का भी है ना V3S मॉडल, और जो भाई की बाइक भगती है ना V4 को भाई पूरी टक्कर है, आगे निकल जाती है, और हमसे इतना आगे जा चुके हैं वो, अभी आपको दिखाता हूँ मैं 1 मिनट में ना, उनसे अभी आगे हूँ। चलो यार अब दिखाते हैं भाई, 1 मिनट में उनके पास पहुँचेंगे, देख रहे हो कितना आगे जा चुके हैं। चेक करो भाई स्पीड, चेक करो, यहाँ पे क्यों रुक गए ये? पता नहीं सर कुछ कह रहे थे, और यार जयपुर जा गया ना ब्लॉग वहीं पे ख़त्म करेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे उनके वीडियोज़ बनाएंगे, तो जयपुर से भाई जब दिल्ली निकलेंगे तो भाई वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट है और रात ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए तो यार थोड़ा सेफ घर पर पहुँचना है ना। अभी भाई क्या हुआ था, अभी जय भाई ने ना हमारी बाइक चलाई थी, भाई कह रहे इतनी प्यारी है ना यार, अब जो बस क्या हो गया यार, ये मिनट मिनट में रुक रहे हैं, क्या हो गया भाई ऐसे मिनट मिनट में रुक रहे यार। अरे मुझको इंडियन ऑयल से जाना है 95, अभी चल जाएगी। हाँ अभी तो तेल है, कम से कम 30-40 किलोमीटर चल जाएगा, तेल नहीं चाहिए।
चलो भाई को तेल डलाने थे इसीलिए। हाँ भाई साउंड चेक करो बस यार, ये साउंड कमेंट में भाई बताना। और यार जितने भाई लोग हैं ना अपना एग्रोफोबिक के भाई विदा हो चुके हैं, मतलब जो आवाज़ आ रही है ना कान में चुभ रही है, बिल्कुल लग रही है भाई स्पोर्ट्स वाले अलग ही लेवल की। यार राइडर जो है ना यार क्या स्पीड पकड़ती है भाई, बहुत तगड़ी पिकअप है भाई इसकी तो। भाई बंदा कह रहा है 110 स्पीड में चल रही है, पर भाई जब हम निकल रहे हैं ना हमारे बगल से निकल रही है यार, सीधे सीधे निकल रही है, अलग ही भाई स्पीड है ना, अलग ही भाई जो मैं आराम से की भाई 110 की स्पीड में चल रही है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं पिंक सिटी, सबने अभी साइड में देखा हुआ है, है भाई अपना पिंक सिटी दिख रहा हो आपको, जो एक पिंक सिटी का आ जाता है। यहाँ से हम जाएंगे हवा महल देखने के लिए। मेरा भाई सही हम हवा में पहुँच चुके हैं, हवा में पिछले कहा जाता है और भी अभी आ गया। तो थैंक यू भाई, यार अभी मिला था भाई अभी मैं अभी ऑटो में थे तो कम कैमरा आपका फाइन मैं आपको थैंक यू भाई और जो आपका ऑनलाइन यहाँ से एक खिड़की आपको दिख रही है और यार यहाँ बहुत ज़्यादा जाम है इसलिए सीधे जाम कर दिया जाने। भाई हवा महल कैसा लग रहा तुम्हें उड़ता हुआ? यार मैं क्या करूँ इतनी हवा रही है भाई, यहाँ कोई हवा महल में उड़ता हुआ कुछ भी नहीं है ना भाई, इसलिए बोला जाता है ना, देखो यहाँ खिड़की है ना आपको बहुत सारी दिख रही होगी, इसलिए सारे खिड़की से ना हवा अंदर जाता था भाई, इसीलिए भाई हवा महल कहा जाता है। ये देखो यार बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, और देखो सामने भाई हम इतने जाम से है ना अभी इतना मुश्किल से भाई हम अभी निकले हैं हम यहाँ पे। चलो एक दो फोटो वोटो लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं हम। गाइज हम हवा महल से निकल चुके हैं क्योंकि रोड पे हमारी बाइक थी तो पुलिस वाले आ गए थे चालान वालान काटने के लिए, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल गए तो वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाए। अब हम खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं और अब यहाँ से सीधे घर से निकलेंगे यार। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और ये पिंक सिटी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना ठीक है। ये देखो बहुत ही यार लंबा है, बहुत ही देखो अभी इधर देखो सामने। चलो मिलते हैं अब अगली ब्लॉग में।